तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग देखे थे सीरीज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल पाया करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज एनर्जी से जो स्पेक्ट्रा मिला तो वो हाइड्रोजन। तो उसमें कुछ नेम्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आए तब जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन सेकेंड पे आए, जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, और इस तरह से एक लास्ट इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से वन पे आए तो लाइमन, हाई एनर्जी लेवल से सेकेंड पे आए तो बाल्मर, हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आए तो पास्कल, हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ पे आए तो ब्रेकर, हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ पे आए तो पेफन, और हाई एनर्जी लेवल से सिक्स पे आए तो हम पेरी। ये सीरीज होता है N1, N1 मतलब लो एनर्जी लेवल, N2 हाई। तो भैया इलेक्ट्रॉन वन पे आ रहा मतलब टू से आ सकता है, थ्री से आ सकता है, अप टू इंफिनिटी। वैसे थ्री से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फोर से आ सकता है, अप टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन फोर से, फाइव से, अप टू इंफिनिटी कहीं से भी आ सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉन सिक्स, सॉरी फाइव, सिक्स अप टू इंफिनिटी। वैसे इलेक्ट्रॉन सिक्स, सेवन अप टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन सेवन, एट अप टू इंफिनिटी। इसका एरिया याद रखना है भाई, फर्स्ट है यूवी, सेकेंड है विजिबल, और थर्ड है मतलब ये पूरे क्या है, आईआर। तो ये था प्रीवियस लेक्चर में, इतना ही देखा था भाई। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉर्मूला है, नोट करके नोट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई, क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वेव नंबर, वेव नंबर मतलब न्यू बार। तो ये जो न्यू बार का वैल्यू है वो होता है 1 बाय लेमडा। न्यू बार मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1 बाय लेमडा इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज होता है आर या फिर आर एच। आर भी लिखोगे चलेगा, एच लिखोगे आर एच तो भी चलेगा। बता देंगे क्या कॉन्स्टेंट है, रिडबर्ग बोला जाता है, पूरा वैल्यू भी नोट करवाएंगे। इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/N1² -1/N2². तो ये वेव नंबर का एक फॉर्मूला बन जाता है भाई। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला बता देंगे, ये आर क्या है, जेड क्या है, पता है फिर भी। तो ये एक वेव नंबर का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, उसका ही नोट करते हैं। जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन करो, चलो वेयर करके नोट कर लेते हैं। कुछ नए टर्म्स दिख रहे हैं आपको, वेयर सबसे पहले, न्यू बार पता चल गया फिर भी, वेव नंबर, वेव नंबर, लेमडा तो पता ही है वेवलेंथ, वेवलेंथ। उसके बाद था आर एच, जिसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, 1099 को उल्टा कर दोगे तो बच जाएगा 6, 6 के बाद आता है 7, फिर वो वन जीरो आर एच नाइन है क्या? सिक्स सेवन सेवन। हाँ आर एच भी बोल सकते हो, इसको आप आर भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। आर आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू था 1096 77, ठीक है। वेव नंबर, लेमडा, जेट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, N1 लो एनर्जी लेवल,
लो एनर्जी लेवल एंटो हाई एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल। तो ये नोट कर लो वेयर करके पूरा चीज जो फॉर्मूले में यूज हुआ है। सर फॉर्मूले में एन वन है लो एनर्जी, एन टू है हाई एनर्जी, तो क्वेश्चन में एन वन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइमन बोला तो एन वन वन, बालमन बोला तो टू, पासमन बोला तो थ्री, ब्रेकर ट्रीफर्ड हम फिर बोला तो क्या होगा भाई फोर फाइव सिक्स रेस्पेक्टली। लेकिन एन टू का इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, कई बार डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कुछ हिडन चीजें देगा वहां पे, मतलब नोन इस तरह से कुछ डाटा देगा जिससे तुमको पता करना पड़ेगा कि एन टू है क्या। तो वैल्यू ऑफ एन टू ये आपको डायरेक्टली ना देखे इनडायरेक्टली गिवन होगा, तो वो पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ एन टू, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से आ रहा है, ये डायरेक्टली नहीं बोलता। तो बोलेगा फर्स्ट लाइन एन टू की जगह पे क्या बोलेगा, वहां पे फर्स्ट लाइन का लाइमन मिल रहा है, फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का, थर्ड लाइन का, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। तो फर्स्ट लाइन बोलेगा या फिर अल्फा लाइन बोलेगा, ठीक है। सेकंड लाइन या फिर इसके जगह पे बीटा लाइन वर्ड यूज करेगा, थर्ड लाइन या फिर बेटा बस नोट करो माइक म्यूट करो कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो वैल्यू ऑफ एन टू डायरेक्टली ना बोलते इनडायरेक्टली बोलेगा, बोलेगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, क्या बोलेगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, या फिर अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, या फिर ये डेल्टा है, ठीक है ना, डेल्टा लाइन। तो यहाँ पे अल्फा लाइन बोला मतलब एन वन के वैल्यू में वन एड करना है, एन टू के सॉरी एन वन के वैल्यू में यहाँ पे लिख सकते हैं इन सब के लिए एन टू जो होगा एन वन से एक हाई, टू हाई, थ्री हाई, और यहाँ पे वन है यार, फोर हाई। तो एन वन प्लस वन कर दोगे फर्स्ट लाइन बोलेगा, एन वन प्लस टू कर दोगे तो सेकंड लाइन के लिए निकल जाएगा एन टू का वैल्यू, थर्ड लाइन बोल रहा है तो एन वन में थ्री एड कर देना, फोर्थ लाइन बोल रहा है तो एन वन में फोर्थ एड कर देना है। नोट कर लो इसको भी, एन वन कल भी बोला था आज भी बोल रहे हैं, एन वन का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। लाइमन बोला तो एन वन का वैल्यू वन, बालमा सीरीज बोला तो एन वन का वैल्यू टू, पासन बोला तो थ्री, ये याद रखना रहता है, ठीक है ना। तो क्लास में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए भाई, ले लो भैया क्लास में बोर्ड का स्क्रीनशॉट। चलो इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड आउट द वेवलेंथ, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ, फाइंड आउट द वेवलेंथ फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम,
एंड हाइड्रोजन एटम। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी का तुम लोग करना सॉल्व। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वेवलेंथ फोर, फर्स्ट लाइन इन लाइमन। तो लाइमन बोल दिया मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए एन का वैल्यू। तो यहां पे एन वन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, एन टू फर्स्ट लाइन बोला है, क्या होगा इसका मतलब, हैंस एन वन प्लस वन। तो एन वन प्लस वन करोगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो हमारे पास वन बाई लेमडा का फॉर्मूला है, वन बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वेयर वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेयर। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना भाई, यहाँ पे वन बाई लेमडा को लेमडा रहने दो, आर का वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आर ही लेके चल रहा हूँ या आर एच ले सकते हो। जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है, तो जेड फोर हाइड्रोजन इक्वल टू वन। तो वन का स्क्वेयर फर्स्ट वाला क्या है भैया, वन का स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आर इंटू वन अपन वन, इसका मतलब वन वन बाई फोर। तो वन में से वन बाई फोर हट गया, माइनस करोगे तो बचेगा कितना, थ्री बाई फोर, मतलब थ्री आर बाई फोर। ये किसका वैल्यू है, वन बाई लेमडा का, इसका वैल्यू है वन बाई लेमडा का। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, फोर थ्री आर। तो आर के टर्म में पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है ना, आर का वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का सॉल्व करो। चलो जल्दी सॉल्व। तो लेमडा फोर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसके लिए देख रहे हैं आपको। तो सेकेंड लाइन के लिए एन लाइमन बोला मतलब दिमाग में बैठा लो अच्छे से, एन वन का वैल्यू वन होगा, ये रखना है एकदम। अब एन टू बोला है, तो भैया जो एन टू है वो एन वन से एक ज्यादा, मतलब क्या होगा, वन प्लस नहीं दो ज्यादा भाई, एन टू बोला है। तो एन थ्री बोला है तो सेकेंड लाइन बोला है ना, इसलिए थर्ड लाइन बोला है तो एन वन से एक तीन ज्यादा, फोर्थ लाइन बोला है तो एन वन से कितना ज्यादा होगा, फोर ज्यादा, मतलब फाइव। तो एन टू जो होता है एन वन से कितना हाई होगा, फर्स्ट लाइन के लिए एक हाई होगा, सेकेंड बोला तो टू प्लस कर दो, थर्ड बोला तो थ्री प्लस कर दो, फोर्थ बोला तो फोर प्लस कर दो। जेड का वैल्यू तो पता ही आपको, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, वन बाई लेमडा का वन बाई लेमडा, आर का आर रहने दो, जेड का वन स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट में वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना भैया, थ्री का स्क्वायर, मतलब नहीं करते अभी सॉल्व, बाद में मतलब कुछ नहीं। आप सिंप्लीफाई करो तो वन बाई लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन बाई नाइन। तो वन में से वन नाइन पार्ट निकल जाएगा तो बचेगा कितना भाई, एट बाई नाइन, यही बचेगा ना। तो वन बाई लेमडा इक्वल टू ये है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, नाइन अपॉन एट आर, नाइन अपॉन एट आर। ये था हमारा आंसर फर्स्ट सेकेंड वाले में, आया ये आंसर सेकेंड वाला? यस यस सर, यस सर, यस सर। अब यहाँ वन बाई लेमडा इक्वल टू आर का जेड का वैल्यू वन का स्क्वायर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर स्क्वायर। तो वन बाई लेमडा का लेमडा आर का आर, वन बाई वन का स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन फोर मतलब सिक्सटीन। तो भैया वन में से वन सिक्सटीन पार्ट रिमूव होगा, मतलब माइनस करोगे तो आएगा फिफ्टीन बाई सिक्सटीन।
1 by lambda. Hence, lambda is equal to 16 by 15 R. Yes, second answer. यहाँ पे 1 by lambda, 1 by lambda. R का R, Z का वैल्यू 1 square. 1 upon 1 square minus 1 upon 5 square. इसको सॉल्व करो तो 1 by lambda, R का टर्म R. 1 square of 1 upon 1 square मतलब 1 minus 1 by 25. इसको सॉल्व करो तो क्या गा? 24 R into 24 by 5. 1 by lambda, hence lambda is equal to 25 divided by 24 R. So, आया सभी का आंसर यही जिन्होंने सॉल्व कर लिया है? Yes sir. तो है ना बड़ा सिंपल सा टॉपिक, कर लोगे सॉल्व कैलकुलेशन, बस ध्यान देना क्वेश्चन नोट करना. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो of wavelength, what is the ratio of wavelength of first line of Lyman, what is the ratio of wavelength of first line of Lyman? What is the ratio of wavelength of first line of Lyman? What is the ratio of wavelength of first line of Lyman in between first hydrogen to helium. ठीक है, प्लस ऑप्शन दे देते हैं आपके ए बी सी डी. हीलियम प्लस टू बेरिलियम थ्री प्लस. सभी में जो वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का है लिथियम टू प्लस टू हाइड्रोजन. लिथियम टू प्लस टू हीलियम प्लस हाइड्रोजन तो लिथियम तो ये फाइंड आउट करना है वेवलेंथ हाइड्रोजन का वेवलेंथ हीलियम का. वेवलेंथ हीलियम से बेरिलियम का, लिथियम से हाइड्रोजन, लिथियम से हीलियम, लिथियम से हाइड्रोजन से वेवलेंथ लिथियम. ऑप्शन है यहाँ पे 1:2. कोई कुछ बोलेगा नहीं, जैसा क्वेश्चन है सही है सॉल्व करना, ठीक है ना? और आंसर जब पूछा जाएगा तब. तो ऑप्शन ए है. हेलो ब्लर आ गया बोलते हो तो ऑप्शन बोर्ड पे नोट कर दिए भाई, नोट डाउन कर लो ऑप्शन और सॉल्व करो, जब आंसर पूछा जाएगा तब देना. तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सभी के आंसर. तो फर्स्ट लाइन बोला है सब में कॉमन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन मतलब फिक्स है भैया, एन वन होगा 1 और एन टू को हमको रखना है भैया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. तो किसके लिए बोला था? वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन. तो वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ पहले ऐसे निकाल लेते हैं 1 बाई लेमडा. किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. आर इंटू जेड स्केयर 1 अपॉन 1 स्केयर मतलब एन वन लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला एक बार कंप्लीट 1 अपॉन एन टू स्केयर. तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर
जेड का वैल्यू वन का स्क्वायर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब में एक जैसे ही आएगा। वैसे अगर मैं किसका पूछा है यहाँ पे हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस का अगर वैल्यू रखूं तो आर इंटू जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड का स्क्वायर हीलियम का जेड होता है थ्री सॉरी टू, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, और ये तो जैसा है वैसे ही है वन स्क्वायर वन अपॉन टू स्क्वायर। तो यहाँ पे वन अपॉन हीलियम का लेमडा ऑफ हीलियम फोर आर, और यहाँ पे क्या था वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, या फिर बोल सकते हो लेमडा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वन अपॉन आर, और यहाँ पे लेमडा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वन अपॉन फोर आर। रेशियो निकालने के लिए बोला है, हेंस लेमडा हाइड्रोजन अपॉन लेमडा हीलियम ये क्या है वन अपॉन आर, और यहाँ पे क्या है वन अपॉन फोर आर। तो भैया आर आर कैंसल हुआ, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से वन बाई फोर क्या होगा ऊपर फोर इज टू वन, आया कि नहीं आया भाई। तो आंसर कौन सा होगा फर्स्ट। तो इसी तरह से सॉल्व करो तो क्या आएगा, हाइड्रोजन हीलियम है तो हीलियम का टू क्या होगा, सब में सॉल्व करना है तो टू का स्क्वायर अपॉन बेरिलियम का फोर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 16 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 इज टू 1। सेकेंड में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ भाई 4 इज टू 1 सी आंसर। लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर नीचे जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, हाइड्रोजन का 1 तो 1 इज टू 9 बी आंसर। दिख रहा है ना भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का नीचे गया था हीलियम का एटॉमिक नंबर ऊपर, यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर नीचे मतलब 3 का स्क्वायर 9 हीलियम का ऊपर तो 4, तो 4 इज टू 9। फिफ्थ वाले में हाइड्रोजन का नीचे लिथियम का हो ही नहीं सकता है तो 9 बाय 4। फिफ्थ वाले में आंसर होगा 4। क्या आप कुछ बोल रहा था, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वो बोल्ट ने दिया था। अब बोल्ट कहता था जितना भी बोल्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए यूज होता है, बोल्ट कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो भैया लिथियम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है तो सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइन। क्या हुआ बेटा चेक कर लो आंसर तो यहाँ पे है ना, अपना आंसर खुद चेक कर लो। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बोला है तो एन वन वन होगा, एन टू वन प्लस वन टू होगा, ठीक है सर। वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच, या फिर आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। वैल्यू रखे जेड है हाइड्रोजन के लिए वन, एन वन वन, एन टू टू। तो भैया ये पूरे को जब सॉल्व करोगे तो वन बाई लेमडा एच आर आएगा, लेमडा एच वन अपॉन आर आएगा। वैसे किसका रेशियो निकालना था, हीलियम प्लस का, तो हीलियम प्लस का भी यही फॉर्मूला यूज होगा, आर का आर, जेड का वैल्यू टू तो टू, जेड का वैल्यू टू का स्क्वायर, वन अपॉन एन वन है तो वन स्क्वायर, एन टू का वैल्यू टू स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे फोर आर, लेमडा एच ई निकालोगे तो वन बाई फोर आर। अब भैया दोनों का रेशियो निकाल लो, कौन सा दिक्कत वाली बात है, इसका वैल्यू है वन अपॉन आर और इसका वैल्यू है वन अपॉन फोर आर, तो इसमें डिफिकल्टी वाली बात ही क्या है बताओ। अरे सर जब आप पढ़ा रहे थे मेरा बोर्ड पूरा ब्लर हो रहा था अभी। अच्छा तो फिर सिंपल सा तो है भाई। हाँ सर समझ बाय सभी को।